हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। और हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बज गए हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों को गए हुए हो गया है, आधा पौना घंटा बच्चों को हो गया है। 9:15 बजे निकले थे, तो उसके बाद मैंने फिर चाय पी, तसल्ली वाली चाय पी। वैसे आजकल जो चाय है ना, मैं बच्चों के जाने के बाद ही पीती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तब तक वो हड़बड़ी, मम्मी ये मम्मी वो मम्मी ये मम्मी वो तो करते रहते हैं। आप लोगों को मेरे ओठ थोड़े अजीब से लग रहे हैं, मैंने वो लगा रखी है बोरो प्लस, कि ओठ फट रहे थे। तो उसके बाद अभी मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर फोन चलाया, उसके बाद ऊपर आके पूरा कमरे को मैंने अभी किया क्लीन। क्योंकि आप लोगों के घर में भी ऐसा होगा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर सबके बाद घर को समेटने में कम से कम नहीं तो आधा घंटा पौना घंटा लग ही जाता होगा, सबके साथ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोचती हूँ कि मेरे ही घर ज़्यादा फैलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सभी का घर फैल जाता होगा। उसके बाद अभी सारे बिस्तर बिस्तर तय लगाए, सर्दियों में ये रजाइयाँ कंबल तय लगाने का काम भी बढ़ जाता है और गर्मियों में बोतल भरने का काम बढ़ जाता है। उसके बाद की अभी फ्रिज में से मलाई निकाल के आई हूँ, तो मतलब वो निकालना है, घी निकालना है आज। और बच्चों को सुबह लंच में बना दिए थे मैंने मेथी के पराठे। सोचती हूँ मैं सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन व्लॉग हो ही नहीं पाता है स्टार्ट, सुबह फोन में पकड़ ही नहीं पाती हूँ अब, क्योंकि ऐसा लगता है बस एक तो ठंड का टाइम है, सुबह उठते के साथ हाथ में आती है झाड़ू, झाड़ू आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह हो, कॉलगेट करो, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाओ, बच्चों के लिए दूध गर्म करो, तो बस इतने में ही सारा टाइम खत्म हो जाता है। तो सुबह तो व्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं पता, तो मैंने कहा चलो अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग है ना मुझे ये ज़रूर बताना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे कौन सी वाली मेहंदी यूज़ करनी चाहिए। मैं ब्लैक मेहंदी अभी लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ना कोरोना के टाइम से बाल सफ़ेद हुए हैं, वैसे मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे। तो उसके बाद ना मैंने एक बार ब्लैक मेहंदी यूज़ कर ली थी, तब से कुछ ज़्यादा ही बाल यूज़ हो रहे हैं, वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ना जो बालों को हार्म ना पहुंचाए ऐसी कौन सी मेहंदी है, और बाल भी उससे अच्छे से कलरिंग नेचुरल कलर आ जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सी मेहंदी यूज़ करते हैं। फिर अभी मैंने मैंने एक परसों सूट लिया था, परसों नहीं मतलब हो गया एक हफ्ता हो गया, तो वो सूट है ना वेलवेट का था, तो वो फट रहा था, तो उस सूट को ना मैंने सिला, मतलब फट नहीं रहा था, उसकी ना सिलाई खिंच गई थी, तो मैंने उन भैया को दिखाया, भैया कह रहे कि आप तो स्टिचिंग कर लेते हो तो आप घर में ही सिलाई कर लेना। यह था जो वेलवेट के आजकल चल रहे हैं, ये वाला ऐसा है, ये पहन के अच्छा है, मैं पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी आप लोगों को, इसमें मेरी रील भी हैंगी उस पे इंस्टा पे। तो ये मुझे पड़ा था 400 का, ये मुझे पड़ा है 400 का, तो ये तो मैंने अपने लिए लिया था, और कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कलर तो काफ़ी सारे हैं। ऑनलाइन जो मैंने देखा था ऑनलाइन ये महंगा था, तो फिर मैंने जो गली में आते हैं उनसे लिया था, अच्छा है, काफ़ी लोगों ने लिया था। एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था, तो वो मैंने उसको दे दिया है, और एक ये लिया था ब्लू कलर, ये परी का हैगा, अच्छा है ये भी, कपड़ा भी अच्छा है, और ये परी के लिए लिया था। ऑनलाइन जो मैंने ये देखा था, तो ऑनलाइन मुझे महंगा नजर आ रहा था, ऑनलाइन ये 800-900 का था, मैंने गली में से लिया था फिर। और उसके बाद मैंने लिया था ये गरम सूट, ये नीचे से कुछ ऐसा हैगा, ये भी अच्छा हैगा। तो अभी मुझे इसमें ना थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ना एम साइज भी ना थोड़ा सा फिट करना पड़ता है, एम साइज भी मतलब स्मॉल मेरे थोड़ा सा टाइट रहता है, और जो एम साइज है वो मुझे थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ता है। तो ये ऐसा सूट है, ये मैंने लिया था 500 का, इसके साथ पजामा भी है। पहन के मैं इसका लुक दिखाऊंगी, अभी मैंने इसको पहना नहीं है, पहले मैं इसको थोड़ा सा फिट कर लूँ उसके बाद पहनूंगी। वैसे गलियों में भी चीज़ जो गली में फेरी वाले आते हैं उन पे भी काफ़ी लोगों पे चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मैंने डायरेक्ट सिलाई कर देते हैं ना, तो कपड़ा ना वहाँ से खींच जाता है, फट जाता है, इसमें ना कागज रख के सिलाई करनी चाहिए। कभी कभी मेरे पास ना वेलवेट के ब्लाउज आते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ उस पर ना कागज रख रख के सिलाई करती हूँ, अखबार रख रख के सिलाई करती हूँ, या फिर इस पर शायद 14 नंबर की सुई यूज होती है, लेकिन मेरी मशीन छोटी है तो इसलिए मैं कागज रख रख के भी कर लेती हूँ।
इसलिए मैं ना लहंगे वहंगे की ब्लाउज बहुत कम सिलती हूँ, मैं बहुत कम ही लेती हूँ लहंगे की ब्लाउज। एक दो बार मैंने सिले तो बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि और आप लोगों को जो करवाया था बच्चों ने बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम किया था, तो वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे नहीं पता, मेरी प्रीति जी से ना उस दिन इंस्टा पे बात हुई थी, मैंने पता नहीं ब्लॉग में बताया था नहीं बताया था, मुझे प्रीति जी से बात करके बहुत अच्छा लगा था। और काफी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इंस्टा पे कॉल करते रहते हैं, और कभी कभी मैं इंस्टा खोल के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जो जिनको मैं जानती हूँ उनसे मैं बात कर लेती हूँ। काफी लोगों ने मुझे मैसेज कर रखे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है बात करने में, इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ। काफी लोग बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं इंस्टा पे कि रिया आप बात नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो थोड़ा सा हमें भी डर लगता है। जिस तरीके से आपको हमसे बात करने में लगता है ना डर, वैसे ही हमें भी लगता है कि कहीं कोई फेक आईडी बना के कोई अदर पर्सन तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है ना, तो इसलिए मैं बात जल्दी से नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे जान पहचान का है तो मैं बात कर लेती हूँ, मैं इसको जानती हूँ, या फिर ये जेंटलमैन है तो मैं बात करती हूँ, बाकी मैं बात नहीं करती हूँ। और अभी मलाई हो रखी है और आज तो वो मुझे निकालनी है। मैं पता है कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने मलाई को निकाल के रख दिया, मैं मलाई को निकाल देती हूँ और मतलब फ्रिज में से निकाल के, और उसके बाद ना फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ, मतलब इतना आलस आता है मेरे को तो मैं उसको फिर से फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी ऊपर का काम तो हो गया, ऊपर झाड़ू पोछा कर दूँ, उसके बाद नीचे जाके फिर निकालेंगे मलाई। और आज परी ना दूसरे स्कूल में पेपर देने के लिए गई हुई है, मतलब कि उसने ना स्कूल से ना कुछ फॉर्म निकले थे, उन फॉर्मों को भरा, उसने उन फॉर्म को भरा था, काफी सारे बच्चों ने भरा है, सबका जो सेंटर है ना वो अलग अलग स्कूल में गया है, तो आज अपने ताऊ जी के साथ पेपर देने गई है और मैं हूँ घर में अकेली। बच्चे होते हैं तो इतनी शैतानी देते हैं, इतनी शैतानी देते हैं, इतना लड़ते हैं, किस किस के घर में बच्चे लड़ते हैं, मेरे तो बच्चे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी के बच्चे लड़ते हैं, सभी लोग इसी चीज से परेशान रहते हैं, आपस में लड़ाई होती रहेगी एक दूसरे के बिना। सो गाइज यहाँ पे हो रहा है, रात के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, मैंने शाम की पूजा वगैरह कर ली थी और उसके बाद भाई दिन में भी मुझे आलस आ गया, मैंने दिन में भी मक्खन नहीं निकाला तो रात के टाइम निकाल रही हूँ, मैंने कहा चलो अभी तो टाइम है, खाना बनाना बनाने में टाइम है, तो पूजा करने के बाद मैं सीधा मक्खन निकालने के लिए बैठ गया। मेरे पता है हाथ दर्द करने लग गए थे, एक तो ठंड है ना तो ये मलाई एकदम टाइट हो जाती है, और बच्चे ना दूध में से ना मलाई निकाल देते हैं, वो मलाई नहीं खाते हैं दोनों बच्चे, तो मैं सोचती हूँ वेस्ट करने से अच्छा तो आप घर में घी निकाल लो वो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे घी निकाल लेते हैं, फिर रोटी चुपड़ने मतलब चुपड़ने के लिए घी भी हो जाता है, बच्चे खाते नहीं है तो फिर वेस्ट करने से भी क्या फ़ायदा है। सो गाइस यहाँ पे परी लगा रही है लड़ियों की, मतलब फोल्डिंग कर रही है, क्योंकि अभी 22 जनवरी को हमने ना लड़ियाँ बाहर मंदिर में लगाई थी, पहले तो हमारी गली में लड़ियाँ लगी थी ना तो हर घर में से लड़ी मांगी थी, तो उसके बाद है ना हमारे दरवाजे पे भी ना टेंट लग गया था तो उन्होंने लड़ी वापसी कर दी, तो मैंने कहा इसको बाहर रखने से क्या फ़ायदा है, इसको मैं मंदिर में लगा देती हूँ, तो मैंने मंदिर में लड़ियाँ लगा दी थी, आप लोगों को शायद मैंने दिखाया भी था। और उसके बाद ये देखिए मेरे हमारा मक्खन तो निकल चुका था, तो ये देखिए हमारा घी भी बन गया है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली। आप में से कौन कौन है जो घर की दूध की मलाई से घी बनाता है, और ये घी अच्छा भी लगता है काफ़ी, मतलब अच्छा होता है। आज हैगा संडे और मम्मी बना रही हैंगी आलू की पकौड़ियाँ, ये बन चुकी है, ये एक पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ सादा, फिर उसके बाद प्याज व्याज डाल के बनाऊंगी, प्याज हरी मिर्च धनिया, ये बच्चे धनिया प्याज वाली खाते नहीं है तो इसलिए पहले मैं बनाती हूँ सादा पकौड़ियाँ, इसमें नमक और जो मैं घर का नमक बनाती हूँ वो नमक डाल दिया है, और इसमें अजवाइन डाल दी है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, तो बच्चे बस ऐसे खाते सही है, नमक सही है। हाँ आप लोग भी खा लो, आलू बड़े बड़े है ना तो इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनती हैं। हाँ। और मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मक्खन का घी निकालूं, घी निकालूं, तो कल रात में खाली बैठे बैठे मैंने कल घी निकाल दिया, लेकिन कल रात में गर्म था तो अभी इसी में रखा हुआ है, मेरी दिखा देना, तो अभी इसको मुझे गर्म करके डब्बे में करना है, इतने ठंडे दोबारा से जम गया। हाँ, जम गया है दोबारा से। चलिए मैं इन बच्चों को जरा नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद देखिए कितने बड़े बड़े आलू हैं, बड़े बड़ी पकौड़ियाँ बनती हैं।
अब खाओ फटाफट से, फिर उसके बाद मैं और काम करूंगी। काम आज बहुत सारा है, पूजा मम्मी कर रही है तो पूजा की मुझे टेंशन नहीं है। अब क्योंकि अब आज हमारे धुल लेंगे कपड़े, बहुत सारे धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो अभी इन बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दूंगी, फिर मुझे बनानी है कढ़ी। पूरा दिन मेरा ऐसे निकलने वाला, संडे वाला दिन तो यही निकलता है, सभी का संडे का दिन ऐसे ही निकलता होगा। जब बच्चे सुबह चले जाते हैं ना तो फिर काम वगैरह भी जल्दी हो जाता है और सारे काम है ना टाइम टेबल से होते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं, एक तो बच्चे लेट उठते हैं और फिर हम भी थोड़ा सा लेट उठते हैं। सो गाइस, सो ये है सोमवार को मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे बच्चे वगैरह मेरे स्कूल जा चुके थे, बच्चों को सुबह मैंने नाश्ता मतलब बना दिया था और उन्हें स्कूल भेज दिया था। और आज है सकट चौथ, सोमवार वाला दिन है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लेडीज़ों ने सकट चौथ का व्रत रखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ना सकट चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है, ना तो मायके में ही रखते हैं ना ससुराल में रखते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे आज है ना आटे का बकरा बना के काटते हैं, मतलब आटे को भून के तिल चटकाए जाते हैं हमारे घर में। आज तिल जरूर चटकाते हैं और आटे का मतलब आटे को भून के जैसे पंजीरी भूनते हैं ना, उस तरीके से बकरा बना के काटते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा घर का काम वगैरह कर लिया, उसके बाद नहा के सबसे पहले की मैंने पूजा, और मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, बस जैसा आता है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ये हमारे घर पे ना वैष्णो देवी का प्रसाद आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो माता का आशीर्वाद आप लोगों को भी दे देते हैं। तो प्रसाद मैंने वैष्णो देवी का थोड़ा सा मंदिर में रखा, फिर मैंने भगवान जी के लिए फल रखे, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में आते के साथ फिर मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई जलाई, वो मतलब कढ़ाई को रखा, क्योंकि मुझे मैंने गोभी आलू की जो सब्जी कट की है ना, मैं इसको गोभी आलू को ना पहले ना तेल में ना फ्राई कर लूँगी। और यही मैंने रख दिया है खीर के लिए। खीर तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि ठंड में ना हमारे यहाँ पे खीर बहुत कम खाते हैं, तो मैं खीर नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी जवे की खीर। जवे की खीर है ना, एक तो ठंडी नहीं होती है और बच्चे सब लोग खा लेते हैं, और इस टाइम ठंडी हो रही है ना तो चावल वगैरह बहुत कम लोग कम ही खाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और जवे सबसे पहले मैं भून लूँगी, जवे रखे हुए हैं तो जवों को थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद फिर हम जवे की खीर बनाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हमारे जवे भुन जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं करूँगी सब्जी को छोक दूंगी। इसमें मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इस सब्जी को मैंने मतलब फ्राई कर लेना है, इसको ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। ऐसी सब्जी बनाओ ना तो टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमारी आलू गोभी ना थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी हो गई ना, तो ऐसी सब्जी बनाएंगे ना बड़ा टेस्टी लगेगी। सब्जी मैंने यहाँ पे छौंक दी है, नॉर्मल प्याज लहसुन वगैरह वैसे करके ही छौंकी है, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो बस हमारी खीर बन गई। खीर में मैंने चीनी और इलायची और गोला वगैरह डाल दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो सबसे पहली पूड़ी है जो वो मैं गाय माता के लिए निकाल दे रही हूँ। गाय माता को निकाल के और उनको भोग लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग, क्योंकि मुझे ज़्यादा पूजा आती नहीं है, मतलब जैसी आती है ना मैं वैसी कर लेती हूँ। लेकिन आप में से कई लोग मुझसे बोलते हैं नहीं रिया, आप जो भी करते हो अच्छा करते हो, और आपका जो श्रद्धा और भाव होता है ना वो अच्छा होता है। कई मैंने पहले कई बार कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे नहीं पता श्रद्धा और भाव क्या है, लेकिन हाँ जो आता है जैसा आता है। और फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं भी आती है ना, आप लोगों में से कोई कमेंट करता है तो मैं उस चीज़ को फॉलो भी कर लेती हूँ। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं गलत करती हूँ, लेकिन आप में से मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं तो बोलते हैं रिया आपने यहाँ पे गलत किया, तो मैं उस चीज़ को सुधारती हूँ और फिर यहाँ पे उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है। सो गाइज, यहाँ पे खाना पीना मेरा बन चुका है, भगवान जी को भोग लगा दिया है, और मम्मी को मैंने दुकान पे खाना भी पहुँचवा दिया है, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं खाया। परी दुकान पे खाना देने के लिए गई है, तो मैं यहाँ पे तिल चटका रही हूँ, क्योंकि आज तिल चटकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तिल चटकाने के बाद ना अभी शौर्य स्कूल गया हुआ है, शौर्य की छुट्टी ना साढ़े तीन बजे होती है तक वो घर आता है। तो यहाँ पे तिल चटकाने के बाद ना मैं फिर क्या करूँगी, अभी एक मुझे बकरा बनाना है। आप लोग हंसेंगे, वैसे काफ़ी लोगों के यहाँ जो यूपी साइड के होंगे, जो गांव साइड के होंगे ना, उनके यहाँ पे ये सब चीज़ें होती होंगी। तो देखो जो रीति रिवाज हमारे यहाँ पे फॉलो होते हैं तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। देखो घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं उन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। तो ये मैंने आटा भी मैंने भून लिया है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। नॉर्मली हमारा जो आटा है साफ़ सुथरा सा आटा लेके हमने उसको भून लिया, इसमें मैंने थोड़े से तिल मिला दिए हैं, और अभी इसमें मैं गुड़ रख लूँगी। आप लोग इसमें बूरा चीनी कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन कहते हैं गुड़ शुद्ध होता है और गुड़ पूजा पाठ की चीज़ों में रखना चाहिए, मैंने ये सुना है और अच्छे लोगों से ही सुना है।
तो यहाँ पे बस मैंने इस तरीके से ये बकरा बना दिया, इसमें मैंने गुड़ भी मिक्स कर दिया है। तो बस इस बकरे को बना के मैं रख दूंगी, आप लोग हंसेंगे। कई लोगों को यार नहीं होता है तो उन लोगों को लगता है अरे नहीं यार ये क्या है। तो सुबह से मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी कैसा वाला बकरा बनेगा, कैसा वाला बकरा बनेगा। हर साल काटते हैं लेकिन बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना ऐसे। मेरी मम्मी नहीं थी ना तो मैं घर पर भी बनाया करती थी, क्योंकि जैसे कि बाबा वगैरह थे हमारे बताते थे कि इस तरीके से काम होते हैं, तो मैं बाबा से पूछ पूछ के सारे काम किया करती थी। और फिर मेरे भाइयों भाई काटते थे ये बकरा। तो ये देखिए हमारा बकरा बन गया है और इसके मैं बना दूंगी दो पैर। सो गाइज़ यहाँ पे पैर बनाने के बाद ये मैंने गुड़ से बना दी है आँखें और इसमें मैंने रख दिए हैं 11 रुपये। तो ये दो का सिक्का मंदिर था के पास मैंने रख दो ना। चेंज कर दिया और ये रख दिया। आप शौर्य स्कूल से आएगा ना तो काट देगा। और ये मैंने मंदिर के पास रख दिया और अभी कुर्सी पे आप इग्नोर करना, मुझे अभी ये सारे कपड़े भी तय लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे शौर्य आ गया था स्कूल से और शौर्य अब बकरा काटने लग गया। और ये पैसे ना मैं शौर्य को ही दे दूंगी। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही होता है, कई लोगों के यहाँ पे सकर चौथ वाले दिन जिस तरीके से करवा चौथ के लिए व्रत रखते हैं ना वैसे ही व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे व्रत नहीं होता है। तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। कुछ भी नई चीज़ है ना करने में थोड़ा सा डर लगता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ होती नहीं है हम उसको कैसे कर लें। तो ये बकरा काट दिया और पैसे लेके भाग रहा है लड़का। सो फ्रेंड्स, सौर्य से बकरा कटाने के बाद, मतलब कि आटे का बकरा कटाने के बाद, फिर मैं यहाँ पे करने लगी हूँ गुड़ को मेल्ट। और ये गुड़ है ना गांव का हैगा, तो ये गुड़ ना हमारे गर्मियों में ना अब की बार है ना बिल्कुल मेल्ट हो गया था। और तब से ये ऐसे ही ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा आज इस गुड़ का भी कुछ ना कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने इस गुड़ को किया मेल्ट और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा और बुना, क्योंकि जो हमने बकरा काटा है ना वो वाला आटा भी ना मतलब इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो उस आटे को भी मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक गोला कसा, कुछ मेवा वगैरह कसी हैं और ये गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया। तो आज हम बनाने वाले हैं लड्डू। और वैसे ना आज के दिन ना कहते हैं कि तिल बिल के लड्डू वड्डू जरूर बनाने चाहिए। मम्मी थी ना तो वैसे मम्मी वगैरह मम्मी मेरी मतलब मम्मी हेल्प करवा लेती थी और त्यौहार वाले दिन ना मम्मी खाना बना लेती थी। लेकिन अब मम्मी नहीं है, मम्मी दुकान पे रहती हैं, उन पे भी बहुत सारा बर्डन हो गया है। वो सुबह दुकान पे चली जाती हैं और शाम को ही मतलब आती हैं। तो अब देखो पहले तो वो हमारी हेल्प करवा लेती थी घर में थी, तो अब वो नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए क्योंकि आगे चल के हम भी सास बनेंगे तो हमें भी ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं लड्डू को, और आटा इतना गर्म था मेरे हाथ जल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने आटे में तिल को मिक्स कर लिया। तिल मैंने इसमें डाल लिए, सारे आटे में मैंने तिल मिक्स कर लिए हैं। और ये सारी जो नारियल वारियल है ना ये भी मैं डाल लूँगी और ये लड्डू अच्छे बन जाएंगे। बच्चे और घर के सब लोग इसे दूध से खा सकते हैं और क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें मिली हुई हैं तो ये नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आटा घी में बुना हुआ है तो पेट भरने मतलब एक लड्डू आप खा लो तो पेट भी आपका भर जाएगा और आपके लिए हेल्दी भी है। सो गाइज़ ये गुड़ का पाक इतना गर्म हो रखा था, इतना गर्म हो रखा था मेरे हाथ जल रहे थे। परी कह रही थी मम्मी उससे मिला लो चम्मच से, लेकिन है ना जिस तरीके से हाथ से मिल पाता है ना चम्मच वगैरह से नहीं मिल पाता है। मैं चम्मच से मिला तो रही थी लेकिन अच्छे से मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे परी की भी ट्यूशन का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा परी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना दो ताकि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करके डाल दूँ, क्योंकि आप लोगों की शिकायतें रहती हैं रिया व्लॉग डाला करो व्लॉग डाला करो, आप लोग मुझे डांट लगाते रहते हो। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट करने लगी थी। ये मैंने जो गुड़ का पाक बनाया था वो मैंने डाल दिया। बाकी जो भी चीज़ें थी ना घर पर मैंने, देखो बाहर से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई, जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी ना मैंने उसी से ही बना दिया है। तिल तो आज चटकाए जाते हैं तो तिल लाए थे बस, तो तिल को मैंने चटका दिया और गोला वगैरह ये थोड़ा बहुत मेवा रखी थी वो मिला दी। गुड़ भी रखा हुआ था तो गुड़ हमारा ख़राब होने से बच गया और आटा तो हमने भूना था, थोड़ा सा आटा और मैंने एक्स्ट्रा भून लिया। तो ये लो जी हमारे लड्डू बन गए। तो चलिए लड्डू बनाते हैं और इतना गर्म हो रहा है मेरे हाथ भी जल गए थे। सो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मेरे हाथ जल रहे थे। तो यहाँ पे लड्डुओं की शेप है ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्योंकि इतना गर्म था। बस मुझे ये लग रहा था क्योंकि इसको ठंडा होने से पहले बना लो ना, क्योंकि गुड़ का पाक है और ये ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर ये ठंडा हो गया ना फिर लड्डू बंधने वाले नहीं होते, बंधते नहीं। और पता है परी का ट्यूशन का टाइम हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट की अपने आप ही और मैंने लड्डू भी बनाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग बोलते हो ना कि रिया व्लॉग डाला करो, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अब घर पर बिल्कुल नहीं रहते हैं, वो स्कूल ट्यूशन और मैं काम करते वक्त वीडियो बनाना ये सब चीज़ें बनाना। लेकिन हाँ मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे डांट लगाते हैं आपने पहले मेहनत कैसे की थी, आपको अब भी ऐसे ही मेहनत करनी है, मेहनत किया करो वीडियो डाला करो। तो ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं लेकिन इनकी शेप है ना थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो शेप पर गौर मत करना, बट हेल्दी हैंगे। तो इस डब्बे में मैंने पैक करके रख दिए क्योंकि जब हमें अकेले काम करना होता है ना तो ये देखना होता है कहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए। मुझे अंदर ही अंदर ये भी डर लग रहा था कहीं मतलब मैंने बनाए हैं तो कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन अच्छे बन गए हैं, सही बन गए हैं, बस थोड़ी सी शेप बिगड़ गई है इनकी। ज्यादा रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी और
अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं कर रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बच्चों के लिए सुबह बना दी थी आलू बैंगन की सब्जी, आज बच्चे रोटी लेके गए क्योंकि कल पूड़ी वूड़ी बनाई थी ना, पूड़ी खीर वीर, तो उन्होंने कहा आज मम्मी हम रोटी लेके जाएंगे, तो आलू बैंगन की सब्जी और पूड़ी लेके। आज ठंड फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, कल 2 दिन तो धूप निकली थी लेकिन अब फिर से आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ठंड है। मेरी तो जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो मेरी ये आंखें ना सूज जाती हैं, मतलब इनमें स्वेलिंग स्वेलिंग सी आ जाती है ठंड की वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं स्वेटर भी पहन रखा है, शॉल भी ओढ़ रखी है बुड्ढों की तरह, और टोपा भी लगा रखा है, और पैर में सॉक्स भी है। मैं ये सारे कपड़े ना कंटिन्यू, चाहे बर्तन धोऊं या पोछा लगाऊं, मैं पहने रहती हूँ, मैं कभी भी उतारती नहीं हूँ। बस जब नहाने जाना होता है ना तभी मेरे जुराब टोपा ये उतरेंगे, उसके बाद फिर तुरंत के तुरंत। सो फ्रेंड्स, हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 8, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बहुत सोई हूँ, पता आज मैं 4 बजे सो गई, मतलब मैं इतनी अच्छी वाली नींद में सोई, मुझे इतने अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे आज, तो कुछ पूछो ही मत, पता नहीं सपने में कहाँ कहाँ पहुँच गई मैं। और उसके बाद मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा, मैं सोच रही कि सुबह होने वाली है लेकिन उठी तो शाम होने वाली थी, खाना बनाना था। सुबह भी उठो तो भी खाना बनाना है, शाम को उठो तो भी खाना बनाना है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बच्चे गए हुए हैं, परी तो ट्यूशन गई हुई है, सौर दुकान पे दादी के साथ हैगा, तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।